कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक ये देखें फ्रेंड्स, रोज प्लांट के डाईबैक के बारे में बात होगी फ्रेंड्स। ये चेक करें, आपको नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स। ये आपको थोड़ा फोकस करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये देखें फ्रेंड्स, ये वाला, ये आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये ऊपर से स्टेम आई है फ्रेंड्स, ये इस तरह सूखती 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 अब ये पूरे प्लांट को इस तरह से डैमेज करेगी। सो देन इससे पहले ये ब्रांच डैमेज करें तो हम इस ब्रांच को डैमेज कर देते हैं फ्रेंड्स। ये देखें, एक ब्रांच हो गई फ्रेंड्स, इसको भी फेंकते हैं इधर, और एक ये दूसरी ब्रांच है फ्रेंड्स। ये कितनी ज़्यादा बढ़ गई है फ्रेंड्स ये ब्रांच, ओ माय गॉड। एक मिनट फ्रेंड्स, ये प्लांट निकाल लें पहले। एक मिनट फ्रेंड्स, आपको मैं चेक कराता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा ये ब्रांच एक बढ़ गई है फ्रेंड्स। ये सारी तो हमने सारी को काट देना फ्रेंड्स। हमने ये नहीं देखना कि ये हमारे प्लांट की स्टेम है किधर गई। ये रही फ्रेंड्स, इस पर फंगस लग रहा था फ्रेंड्स बकायदा, तो हमने ये चीज़ नहीं देखनी फ्रेंड्स। ये चीज़ अगर हम देखने वाले हो जाएंगे तो फिर हमारा प्लांट नहीं रोक रहेगा फ्रेंड्स। ये चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना है फ्रेंड्स। कोई भी इस तरह की वारंटेड या अनवारंटेड स्टेम हो तो आपने कट कर देनी है ज़रूर। ये नहीं कहना आपने कि चलें कल कर देंगे, चलें आज कर देते हैं, कल कर देंगे। ये आप कहेंगे तो फिर आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा फ्रेंड्स। सो वेल फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो सिर्फ ये आपको बताना था डाईबैक प्रॉब्लम के बारे में फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।